children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with a discussion of the password. Our password for today is treat, T-R-E-A-T, treat. Here we are mentioning this word as noun. यहाँ हम इसे noun के तौर पर mention कर रहे हैं. What is the meaning of this word? It is something that makes somebody happy. So now about using this word to frame sentences, it can be like that. My parents gave me a treat when I scored first position. मेरे parents ने मुझे treat दी जब मैंने first position scored. So that was about our password. What we are going to do today in our EBS class, children, first of all we will have a recap of the chapter number 10 that we are doing these days. After that we will be doing work exercises and then we will be doing keywords of this chapter number 10 in our EBS notebook. So let us start. Chapter number 10, useful animals. Children, yesterday we had revised this full chapter. Now in today's class, first of all we will have a recap of this chapter and then we will be doing its book work. हम आज इसका book work करेंगे. सबसे पहले हम एक recap लेंगे इस chapter का, उसके बाद हम book work करेंगे. Then we will be doing the keywords of this chapter also in our EVS notebook. So first of all we will have a recap. Children, animals are useful to us in many ways. They are essential part of our surroundings, our atmosphere. So animals हमारे लिए बहुत helpful हैं. Animals give us milk, animals हमें दूध देते हैं. Animals give us eggs, animals हमें eggs देते हैं. जो लोग eggs खाते हैं उनके लिए food का source है. Animals give us flesh, animals हमें flesh भी देते हैं. जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग फ्लैश खाते हैं तो उनके लिए भी एनिमल्स फूड का सोर्स है. एनिमल्स गिव अस वूल, एनिमल्स हमें वूल देते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन, हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वो वूल हमें एनिमल्स से मिलती है. सो एनिमल्स गिव अस लेदर एंड सिल्क, एनिमल्स हमें लेदर देते हैं. लेदर मीन्स चमड़ा. चमड़े से क्या बनते हैं? हमारे पर्सेस, हमारे बेल्ट्स, हमारे शूज़, हमारे बैग्स. कुछ लोग रियल जो लेदर होता है उसकी चीज़ें यूज़ करते हैं. सो एनिमल्स की स्किन से ही वो लेदर बनाया जाता है. एनिमल्स गिव अस सिल्क, एनिमल्स हमें सिल्क देते हैं. सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट है उससे हमें सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है और सिल्क फाइबर से बहुत ही एक्सपेंसिव और शाइनी क्लोथ्स हमें मिलते हैं. एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी, एनिमल्स हमारा काम आसान बना देते हैं. दे कैरी लोड फॉर अस, वो हमारे लिए लोड कैरी करते हैं. ऑक्सन प्लो आवर फील्ड्स, ऑक्सन हमारे खेतों को जोतता है ताकि फसल बोई जा सके. सम एनिमल्स आर सोर्स ऑफ नेविगेशन, कुछ एनिमल्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आज भी लोग जाते हैं. लाइक बुलक कार्ट, टोंगा है, कुछ बग्गी होती हैं, कैरिज होती हैं, हॉर्स कैरिज, या आप बात कर लीजिए इन डेजर्ट एरिया इट इज़ कैमल. तो वो आने जाने के लिए भी हेल्पफुल है मैनकाइंड के लिए. अदर यूजफुल एनिमल्स लाइक वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, हमें हनी बीज से हनी मिलता है. और जो डंग है एनिमल्स का वो मैन्योर का काम करता है. सो और मैन्योर हम डालते हैं हमारी फसलों में, हमारे प्लांट्स में, तो वो अच्छे ग्रो होते हैं. And some animals like we like to keep them at our pet animals, उन्हें हम pet के तौर पर रखते हैं, वो हमारे लिए friendly होते हैं. Dogs guard our house, cats keep the mice away, और इस तरह के animals हमारे लिए helpful होते हैं. ये हमारे घर को guard करते हैं. और हम वैसे भी कुछ लोग animals को घर में रखते हैं, like हम लोग fish रखते हैं fish aquarium में, कुछ लोग parrot को घर में रखते हैं, कुछ लोग टर्टल को रखते हैं और इसी तरह से कुछ लोग रैबिट को भी रखते हैं. सो एनिमल्स हमारे लिए फ्रेंडली हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए. वी शुड बी सेंसिटिव टू देम, वी शुड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स. सो दैट वॉज द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग इट्स बुक वर्क एक्सरसाइजेस. ओपन योर ईवीएस बुक्स, पेज नंबर 46. वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेज ऑफ आवर चैप्टर नंबर 10, यूजफुल एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिटेल्स लाइक क्लास वर्क,
today's date, and then we will be starting the written work. Children, this is page number 46. After writing the details like classwork and today's date, this is practice exercise section A. Exercise A, tick the correct answer. सही answers को tick करेंगे. At number 1, we get honey from, हमें honey कहाँ से मिलता है? Our options are plants, honeybees, trees. So, हमें honey कहाँ से मिलता है? From honeybees. So, we will tick this option. Now, we will read the full sentence like, we get honey from honeybees. At number 2, which of the following is a pet? इनमें से कौन सा एक pet है? Pet क्या होता है children? You are aware of this thing. कि जो घर में हम रखते हैं animals को, वो pet कहलाते हैं. So options are cheetah, giraffe, dog. So cheetah and giraffe are wild animals. वो लोग जंगल में मिलते हैं. उन्हें हम घर में नहीं रखते हैं as pet. But dog is the animal that is kept like pet animal at home. हमारे घरों में pet animals के तौर पर dogs को रखा जाता है. और dog क्या होता है? Faithful to man. वो हमारे लिए faithful है. हमारे houses को guard करता है. और dog friendly भी बहुत होता है. इसे tame भी किया जा सकता है. Tame मतलब इसे सिखाया जा सकता है कुछ certain चीज़ें करने को. So इनमें से कौन सा pet animal है? Dog is a pet animal. Now next exercise is regarding matching. Match correctly. We will read the words that are written in this column. Dogs, cats, honeybees. So in this column we have words like give honey, guard homes, keep mice away. So हमें match करना है. We will read from the first word that is written. Dogs. Dogs इनमें से क्या करता है? Dogs guard homes. We will match dogs with option B, that is dog guard homes. Now at number 2, cats. Cats क्या है? बिल्ली. बिल्लियाँ. What do they do? वो क्या करती हैं? This option we have already matched. तो हमारे पास दो option है, give honey and then keep the mice away. So we will match cats with keep the mice away. हम cats को match करेंगे keep mice away. वो चूहों को दूर भगाती है. Mouse is a singular noun and its plural is mice. So वो जो cats हैं, बिल्लियाँ हैं, वो चूहों को दूर रखती हैं. Number 3, honeybees. Honeybees क्या करती हैं? Give honey. Honeybees जो insect होता है वो हमें honey देता है. Honey क्या है? वो हम ब्रेड पर, टोस्ट पर स्प्रेड करते हैं लाइक जैम, बटर. और हनी का मेडिसिनल वैल्यू भी है. व्हेन वी हैव कफ और कोल्ड, हमें सर्दी या खांसी या जुकाम होता है, तो हमें हनी दिया जाता है. नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी. दिस इज़ ऑन द सेम पेज 46, पेज नंबर 46. एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर. सही आंसर को टिक करेंगे. नंबर 1, द एनिमल विच डजंट गिव अस मिल्क इज द, ऐसा एनिमल जो हमें दूध नहीं देता है. ऑप्शंस आर गॉट, एलिफेंट, काउ. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर में कि कौन से एनिमल्स हमें दूध देते हैं, किन एनिमल्स का दूध हम कंज्यूम करते हैं. तो हमने डिस्कस किया था काउज, गॉट, बफेलोज. सो हमें यहाँ वो एनिमल्स, एनिमल बताना है जो हमें दूध नहीं देता है. सो गॉट हमें मिल्क देती है, काउ हमें मिल्क देती है, और एलिफेंट इज़ द एनिमल दैट डजेंट गिव अस मिल्क. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. द एनिमल विच डजेंट गिव मिल्क इज द एलिफेंट. एट नंबर 2, वी गेट बटर फ्रॉम डैश, हमें बटर मिलता है किससे? ऑप्शंस आर वाटर, मिल्क, बोथ. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिल्क प्रोडक्ट्स दैट वी कैन मेक फ्रॉम यूजिंग द मिल्क. हम मिल्क की मदद से जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें हमने मेंशन किया था, डिस्कस किया था कि बटर भी मिल्क से बनता है. बट वाटर से हम नहीं निकाल सकते बटर. सो वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क. वाटर इज़ द रॉन्ग आंसर. यहाँ ऑप्शन है मिल्क. मिल्क इज़ द राइट आंसर. बोथ ये भी रॉन्ग है. बोथ मीन्स दोनों. सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट.
वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क, हमें बटर मिलता है मिल्क से। मिल्क को चर्न करके, मिल्क का पहले कर्ड बनाते हैं, कर्ड को चर्न करके हमें बटर मिलता है। दैट इज़ क्वाइट टेस्टी और हेल्दी टू ईट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्टली विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इन वर्ड्स की मदद से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ऑप्शंस आर हेंस, डोंकी, शीप, सिल्क वॉर्म्स। वी हैव फोर ऑप्शंस एंड वी हैव टू फिल फोर ऑप्शंस इन दीज फोर सेंटेंसेस। हमें करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट ऑप्शन फिल करना है सेंटेंस में। सो दीज आर द ब्लैंक्स, वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। वी विल बी रीडिंग द नंबर वन सेंटेंस। वी गेट एग्स फ्रॉम, हमें एग्स कहाँ से मिलता है? हेंस से, डोंकी से, शीप से, सिल्क वॉर्म से। सो वी गेट एग्स फ्रॉम हेंस, हमें एग्स हेंस से मिलते हैं। सो वी विल कट दिस ऑप्शन वाइल आफ्टर राइटिंग इट हेयर। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट विच इज़ द करेक्ट वन। हम जब एक ऑप्शन को लिखने के बाद कट कर देंगे तो हमें बाकी ऑप्शंस में से डिस्टिंग्विश करना ईजी होगा। नंबर टू, वी गेट वूल फ्रॉम डैश, हमें वूल कहाँ से मिलती है? डोंकी, शीप, सिल्क वॉर्म्स। सो वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें शीप से वूल मिलती है। शीप के जो हेयर हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, सीजन आता है वो रिमूव करने का, उसके बाद उन्हें वॉश किया जाता है, उन्हें स्पिन किया जाता है और उन्हें फिर वीव किया जाता है, फिर थ्रेड बनाया जाता है, वो वूल होता है। एट नंबर थ्री, वी गेट सिल्क फ्रॉम डैश, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दैट आर रिमेन्ड विद अस आर डोंकी एंड सिल्क वॉर्म्स, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी यूज्ड दीज टू ऑप्शन, हेंस और शीप। सो हमारे पास ऑप्शन है डोंकी और सिल्क वॉर्म्स। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स हमें वो सिल्क देते हैं, सिल्क का बनाने का एक इंसेक्ट माना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सो उससे हमें सिल्क मिलता है। ऑप्शन नंबर फोर, सेंटेंस नंबर फोर, सॉरी, अ डैश कैरीज लोड फॉर अस, एक हमारे लिए लोड कैरी करता है। सो वी हैव दिस ऑप्शन दैट इज़ रिमेन्ड विद अस ओनली डोंकी। अ डोंकी कैरीज लोड फॉर अस, डोंकी हमारे लिए भार उठाता है। जो डोंकी है हमारे लिए बोझा उठाता है, वॉशरमैन का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि उसकी पीठ पर लाद कर जनरली हम देखते हैं सीरियल्स में या बुक्स में पढ़ते हैं, तो वॉशरमैन उसकी पीठ पर वो कपड़े लादता है और नदी किनारे ले जाता है। सो डोंकी हमने देखा होगा, वो उसकी पीठ पर दोनों साइड जो बैग्स होते हैं उनमें भार लादा होता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। सो दैट वॉज अबाउट द बुक वर्क दैट इज़ ऑन पेज नंबर 46। दिस इज पेज नंबर 47। वी हैव टू एक्सरसाइज रिमेन्ड इन दिस पेज एंड देन वी विल डू दिस एक्टिविटी टू। सो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज सी इज रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स। दीज क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अवर ईवीएस नोटबुक। सो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज डी, नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स, हमें इन पिक्चर्स के नेम लिखने हैं। हेयर यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ अ हैन, ये हैन की इमेज है। सो वी हैव टू राइट हेयर हैन, एच ई एन, हैन। दिस इज द इमेज ऑफ हनी बी, हनी बी की इमेज है। सो वी हैव टू राइट इट्स नेम दैट इज हनी बी, एच ओ एन ई वाई, हनी बी, ई ई बी, हनी बी। दिस इज द इमेज ऑफ फिश, ये एक फिश की इमेज है। सो वी विल राइट हेयर फिश, एफ आई एस एच, फिश। नाउ एक्सरसाइज ई, यू सी अ फ्यू चिल्ड्रन थ्रोइंग स्टोन्स एट अ डॉग, आप देखते हैं कि कुछ बच्चे एक डॉग पर स्टोन्स थ्रो कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। What will you do? आप इनमें से क्या करेंगे? You have two options that you have to select from. Option A, join them. उनके साथ join हो जाएंगे, आप भी पत्थर मारना शुरू कर देंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? आपको ये नहीं सिखाया गया है, आपको ये सिखाया गया है कि animals को tease नहीं करना है। Second option, tell the children that hurting animals is wrong. आप children को, उन बच्चों को बताएंगे कि
एनिमल्स को हर्ट करना गलत बात है. सो आई एम श्योर चिल्ड्रन यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन, कि आप बताएंगे दूसरे बच्चों को कि एनिमल्स को हर्ट करना किसी भी तरह से वो गलत बात है. सो वी विल कलेक्टिवली टेक दिस ऑप्शन एज राइट. हम ये रास्ता चूज़ करेंगे, हम ये वे चूज़ करेंगे, इन दोनों में से ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग टू हर्ट एनिमल्स. एनिमल्स को किसी भी तरह से, किसी को भी हर्ट करना गलत बात है, लेकिन एनिमल्स आर स्पीचलेस, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनको भी पेन फील होता है. सो इट इज़ रॉन्ग टू हर्ट देम फॉर फन, या किसी भी तरह से हर्ट करना उनको गलत बात है. आई टोल्ड यू एंड वी हैड डिस्कस्ड इन डिटेल कि जब एनिमल्स, जिनसे हमें लेदर मिलता है, उन्हें मार कर उनका लेदर नहीं लेना है, स्किन नहीं लेना है. अगर वो डेड हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, उसके बाद वो स्किन ली जा सकती है. सो दैट वॉज अबाउट द बुक वर्क. नाउ अबाउट एन एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू डू. चिल्ड्रन वी हैव टू एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन दिस EVS बुक, पेज नंबर 47. वी विल रीड दीज एक्टिविटीज एंड वी विल बी डूइंग वन ऑफ दीज एक्टिविटीज. उनमें से हम एक करेंगे. विजिट अ नियर बाय जू एंड वॉच द वाइल्ड एनिमल्स देयर. अपने आसपास के जू में जाइए और वहाँ वाइल्ड एनिमल्स को देखिए, वॉच करिए, उनको ऑब्जर्व करिए. ड्रॉ देयर पिक्चर्स एंड कलर देम. उनकी पिक्चर्स को ड्रॉ करें और पिक्चर्स को कलर भी करें. राइट देयर नेम्स बिलो देयर पिक्चर्स. उनकी पिक्चर्स जो आपने ड्रॉ की हैं, उसके नीचे उनका नाम भी लिखिए. सो हम जू में जाते हैं चिल्ड्रन, तो हम वहाँ एक वो टैग भी लगा होता है, आप जिसे साइन बोर्ड भी कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर एनिमल का नेम लिखा होता है, या बर्ड होता है, हमें जो भी दिखता है उसका नेम लिखा होता है. और कई बार हम किसी एल्डर मेंबर के साथ जाते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, ये कब सोता है या कब उठता है, या ये क्या करता है, ये किसकी साउंड क्या है. सो इस तरह की हमें क्वेरीज होती हैं. ट्राई टू पुट टुगेदर एनिमल्स दैट लुक सिमिलर. ये पार्ट है जो इस एक्टिविटी का, ये हमारा जो एक्टिविटी होगा, उन एनिमल्स की पिक्चर्स को जो आपने ड्रॉ की हैं, या उन एनिमल्स को जो जिनको आपने ऑब्जर्व किया जू में, उनको आप देखिए, जो कि एक जैसे से लगते हैं, बट वो हैं डिफरेंट. एक जैसे लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन वो डिफरेंट हैं. सो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये क्या है. वी हैव क्वाइट कन्फ्यूज़न इन, हमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये टर्टल है या टॉर्टॉइस है. सो इस तरह बहुत से एनिमल्स हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या है. सो हमें उन एनिमल्स के 5 पेयर्स का नेम्स लिखना है, और इट इज़ बेटर कि आप वो पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं. सो वो पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं नेट पर, तो उन सिमिलर लुकिंग एनिमल्स की पिक्चर्स आप पेस्ट करिए और उनका नेम लिखिए. दिस इज़ द एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू. आप इसे A4 साइज शीट पर भी कर सकते हैं, और या आप EVS की नोटबुक में भी इसे कर सकते हैं. सो आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स कि आपको किस तरह से करना है, और आपको किस तरह से वो अपने एनिमल्स के बारे में लिखना है, उनके नेम्स, और उनके बारे में जानना है. चिल्ड्रन दिस इज़ जैगुआर एंड दिस इज़ लेपर्ड. कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू. आप इनमें से इनको अलग अलग पहचान सकते हैं? नहीं. अभी साथ में है तो हमें कुछ डिफरेंस दिख जाएंगे, लेकिन जब ये हम इन्हें अलग अलग देखते हैं, तो वी हैव क्वाइट कन्फ्यूज़न इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू. हमें इन्हें पहचानने में कन्फ्यूज़न होगा. सो आपको ऐसे ही लिस्ट बनानी है 5 पेयर ऑफ एनिमल्स की, जिनके लुक्स सिमिलर है. सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, लेकिन वो हैं डिफरेंट. सो जैगुआर और लेपर्ड, इसी तरह टाइगर होता है, कुछ लोग टाइगर को लॉयन बोलते हैं, या लॉयन को टाइगर बोलते हैं, या लेपर्ड को टाइगर बोलते हैं, तो वो भी डिफ्रेंशिएट करना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो जैगुआर और लेपर्ड, ये एक पेयर हो सकता है. नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. चिल्ड्रन वी आर डिस्कसिंग द एनिमल्स दैट लुक सिमिलर बट दे आर क्वाइट डिफरेंट. सो उसी दौरान
दिस इज़ एम्यू, दिस इज़ ऑस्ट्रिच, ये सिमिलर लुकिंग है और ये बहुत लार्ज बर्ड होता है। बोथ आर फ्लाइटलेस, वो उड़ नहीं सकते हैं जैसे नॉर्मल बर्ड्स होते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं। नॉर्मल बर्ड्स होते हैं जो हमें जिन्हें हम उड़ते हुए देखते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, तो उनमें वेट बहुत कम होता है, इसी वजह से वो उड़ सकते हैं और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं उड़ते उड़ते, फ्लाई करते करते वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। बट एम्यू और ऑस्ट्रिच बहुत लार्ज बर्ड्स होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक लार्ज काओ जितना इसका हाइट होता है। आई हैव सीन एम्यू, मैंने एम्यू देखा है, ऑस्ट्रिच नहीं देखा है, बट आई कैन टेल यू, हो सकता है आपने जू में देखा होगा या किसी ने देखा होगा। कुछ लोग एम्यू को फार्म्स में भी रखते हैं क्योंकि उनके एग्स लोग खाते हैं। सो दिस इज़ एम्यू, दिस इज़ ऑस्ट्रिच, ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं, उड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ये तेज थोड़ा सा रन कर सकते हैं, दैट्स इट। सो ये सिमिलर लुकिंग बर्ड्स हैं। सो इसी तरह से हमें 5 पेयर्स लिखने हैं सिमिलर लुकिंग बर्ड्स के, और इट इज़ क्वाइट बेटर, आप बहुत अच्छी बात होगी आप उनकी इमेजेस भी पेस्ट करें या आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट आई एम प्रेफर द इमेजेस को मैं प्रेफर करूँगी क्योंकि उससे उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में हमें इजी होगा। सो यू हैव इनफ टाइम, ये आपको असाइनमेंट है, ये आपको 10 डेज में आपको सबमिट करना है। सो आपको क्या करना है, इधर इन ऑन A4 साइज शीट, किसी भी A4 साइज की शीट पर या आपकी EVS की नोटबुक पर भी इट कैन बी डन, आपको 5 पेयर्स ऑफ एनिमल्स विद देयर इमेजेस वो लिखने हैं जो कि सिमिलर लुकिंग हैं। सो इजंट इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमें इससे कुछ एनिमल्स को जानने का मौका मिलेगा जिन्हें हम पहले से नहीं जानते थे, हम उन्हें कुछ भी बोल देते थे, जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम जैगवार और लेपर्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। सो हम टाइगर जानते थे या लेपर्ड जानते थे या लॉयन जानते थे। सो इसी तरह के काफ़ी पेयर्स हैं एनिमल्स के। यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट एंड यू हैव टू सबमिट इट, टुडे इज 6th of October, आप ये 16 तक सबमिट कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन EVS, इधर EVS नोटबुक या फिर A4 साइज की शीट पर कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू राइट कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 इन अवर EVS नोटबुक। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 10, यूजफुल एनिमल्स। सो ओपन अ न्यू पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द डिटेल्स लाइक क्लास वर्क, टुडेज डेट। So this you have to do in the new page of your EVS copy. In the first line you will write chapter number 10, in the second line you will write useful animals, that is the heading or title of the chapter. In the third line you will write keywords, and from the fourth line we will start writing our keywords. I want to tell you, or I want to remind you, that you have one page that is on the left side that is blank. What you have to do on that page, आपको उस पेज पर क्या करना होता है, यू राइट समथिंग और ड्रॉ समथिंग और पेस्ट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द चैप्टर। हम वहाँ उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी या तो ड्रॉ करते हैं या कुछ लिखते हैं या पेस्ट करते हैं। सो इट इज़ अप टू यू, ये आप पर है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्या करना है। सो वी हैव अवर चैप्टर नंबर 10 दैट इज अबाउट यूजफुल एनिमल्स। सो वहाँ आप कुछ एनिमल्स का आप फोटो या इमेज ड्रॉ भी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी बर्ड्स की या वो कुछ चीज़ें देते हैं उनकी इमेजेस भी आप बना सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। सो दैट यू हैव टू डू ऑन दैट ब्लैंक पेज। सो दैट इज द प्रैक्टिस दैट वी यूज टू डू एवरी टाइम वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन अवर EVS नोटबुक। सो from the fourth line we will be starting writing our keywords. At number 1 it is buffalo, number 1 par hum kya keyword likhenge, buffalo। buffalo kya hai, bhains jo ki milk dene wala animal hai, aisa animal jo hame milk deta hai। so buffalo, buffalo। at number 2 prawn, prawn seafood hai, sea mein milne wala ek animal hai jiska
फ्लैश लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. सो PRAWN प्रॉन. एक्ट नंबर 3 वुलन. वुलन क्या है? ऊनी. और वुलन क्या है? वो कपड़े जो वूल से बनाए जाते हैं. सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन. WOOLLEN वुलन. एक्ट नंबर 4 लेदर. LEATHER लेदर. हिंदी में हम इसे चमड़ा कहते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर दैट द स्किन ऑफ सम एनिमल्स इज यूज टू मेक लेदर. कुछ एनिमल्स की स्किन को लेदर बनाने के लिए यूज किया जाता है. सो LEATHER लेदर. एक्ट नंबर 5 प्लो. PLOUGH प्लो. प्लो क्या होता है? हल होता है जो कि चलाया जाता है किसी फील्ड में. सॉइल को प्रिपेयर करते हैं फसल बोने के लिए. सो उस प्रोसेस में उसे प्लो किया जाता है. फील्ड को प्लो किया जाता है और ये काम ट्रैक्टर भी करता है जो कि एक मशीनरी है. बट ऑक्सन जो है वो भी ये हेल्प करते हैं. ऑक्सन प्लो अवर फील्ड्स. एक्ट नंबर 6 मेडिसिन. MEDICINE मेडिसिन. मेडिसिन क्या होता है? दवा. दवाई जिसे कहते हैं. सो मेडिसिन वी हैव टू टेक व्हेन वी आर इल. हमें लेनी पड़ती हैं जब हम बीमार होते हैं. सो आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर दैट हनी इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर क्योरिंग कफ एंड कोल्ड. हनी को यूज किया जाता है दवा के रूप में खांसी या जुकाम को ट्रीट करने के लिए. एट नंबर 7 मैन्योर. MANURE मैन्योर. मैन्योर क्या होता है? खाद होता है जिसे फसल में डाला जाता है या प्लांट्स में डाला जाता है. तो वो उनको कुछ मिनरल्स मिलते हैं प्लांट्स को और वो अच्छे ग्रो होते हैं. सो डंग ऑफ सम एनिमल्स इज यूज्ड एज मैन्योर. उसे खेत में डाला जाता है ताकि फसल अच्छी हो. सो MANURE मैन्योर. एक्ट नंबर 8 PROVIDE प्रोवाइड. प्रोवाइड मतलब प्रदान करना देना. सो प्रोवाइड मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीज जिससे उसे उसकी जरूरत हो. सो एनिमल प्रोवाइड अस विथ फूड. एनिमल हमें फूड देते हैं जिसकी हमें जरूरत है. सो वी हैव ओनली 8 कीवर्ड्स फॉर दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10. दैट्स ऑल फॉर अवर EBS क्लास चिल्ड्रन. We will meet in our next EBS class. Children, bye bye. Take care.